अभिभावकों की मांग पर शिवराज ने कोटा से वापस बुलाए बच्चे, माता पिता ने जताया आभार। जी हां, राजस्थान के कोटा में मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों की परेशानी को देखते हुए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाया और आज विदिशा जिले के छात्र छात्राओं को एक बस के जरिए कुरवाई के 7 छात्रों के साथ करीब 32 छात्रों को कुरवाई लाया गया। सभी 32 छात्रों को कुरवाई के नज़दीक महलुआ चौराहा पर एक शासकीय स्कूल में उनकी थर्मल स्कैनिंग की गई। इस बस में जिले के सभी तहसील के छात्र छात्राएं मौजूद थीं, जिसमें कुरवाई के 7 छात्र छात्राएं मौजूद थे। अनुविभागीय अधिकारी गोपाल सिंह वर्मा ने अभिभावकों को शपथ दिलाई कि वे अपने बच्चों को 28 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखेंगे। कुरवाई SDM गोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि विदिशा जिले के बच्चे राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे थे, जिन्हें मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा वापस बुलाया गया है। कुरवाई से विराट ठाकुर की एक रिपोर्ट। से रवाना किया गया, पहले हम लोगों की स्क्रीनिंग ली गई, दैन हम लोगों को जाकर बस में बैठाया गया और प्रयास हमारे शिवराज सिंह जी ने किया बहुत अच्छा। प्रयास के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे थे वहाँ पर परेशान, तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो बसेज भेजी हम लोगों के लिए, अब आप लोगों की स्क्रीनिंग एक बार और गुना में हुई थी, दैन अभी हम लोग मोबाइल पहुँचे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा इंतजाम। ये हमारे विदिशा जिले के कोटा राजस्थान के अंतर्गत कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए गए हुए बच्चे थे जो लॉकडाउन के कारण कोटा में रुक के रह गए थे। मध्य प्रदेश शासन के प्रयासों से और हमारे जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन के निर्देशन में एक टीम और साधन बस गाड़ियां आदि भेज करके इन विदिशा जिले के बच्चों को यहाँ पर बुला लिया गया है। यहाँ पर हम महलुआ चौराहे पर इनकी इस भवन में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर और उनकी पूरी चिकित्सा की टीम कोरोना के चलते इसकी स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। स्क्रीनिंग के आवश्यक दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं तथा प्रत्येक बच्चे के मोबाइल पर सार्थक ऐप लोड किया जा रहा है। सार्थक ऐप से इन बच्चों की जानकारी प्रतिदिन मिलती रहेगी, साथ ही हमारा चिकित्सा का अमला भी प्रतिदिन इन बच्चों की स्क्रीनिंग करेगा और नियत अवधि के लिए जो समय रहता है ये बच्चे होम क्वारंटाइन किए जाएंगे।